हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग पाई चार्ट पर आधारित टोटल 10 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम से लिए गए हैं, जो आने वाले सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में क्या है कि आपको एक पाई चार्ट दे रहा है। पाई चार्ट में आपको डाटा क्या क्या दे रहा है? तो पाई चार्ट में आपको दे रहा है डाटा परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ई स्टेप टू फिल द टैंक ऑफ 400 लीटर इन 1 आवर। एक घंटे में 400 लीटर की टंकी को भरने में प्रत्येक नल का योगदान। तो कितने प्रकार का नल है आपको? टैप है, कहिएगा चार तरह का टैप है आपको नल। एक है पी, एक है क्यू, एक है आर और एक है एस। अब 400 लीटर का टंकी भर रहा है एक घंटा में, तो 400 लीटर में क्या है कि पी कितना भर रहा है? तो कहिएगा 30%। क्यू कितना भर रहा है? तो 25%। आर कितना भर रहा है? तो 25%। और एस कितना भर रहा है? तो 20%। ऐसे भी आपको हम बताए थे कि डाटा कैसे रीड करना है, तो 12 बजे से स्टार्ट करते थे और क्या करते थे कि जो भी हमारा दिया हुआ था नेमिंग उसको क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलिए। तो पहले पी तो लिख लिए, फिर उसके बाद क्यू तो लिख लिए, फिर उसके बाद आर तो लिख लिए, फिर उसके बाद एस। इसका मतलब इस 400 लीटर में पी जो है 30% बढ़ेगा 400 का, क्यू जो होगा 400 का 25% बढ़ेगा, आर जो होगा 400 का कितना बढ़ेगा 25% बढ़ेगा और एस भी होगा कितना बढ़ेगा 400 का 20% बढ़ेगा। अब आपको इस पे क्या है प्रश्न एक पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपको? कह रहा है कि पी और आर जो है टंकी को भर रहा है। तो बताइए पी और आर भर रहा है मतलब प्लस लिख देते हैं, मतलब पी और आर क्या करेगा एक घंटे में भरेगा, कितना भरेगा पी और आर? तो देखिए पहले तो यहाँ पे डाटा जो लिखा हुआ था उसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, पहले पी आएगा क्लॉकवाइज चलिए 12 बजे से, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्या आएगा एस आएगा। क्या कर रहा है? पी और आर भर रहा है, तो पी कितना भर रहा है 30%, क्योंकि भर रहा है फिल कर रहा है इसलिए प्लस लिख रहे हैं, और आर क्या है 25%। इसका मतलब पी जो और आर जो है एक घंटे में कितना भरेगा? तो कहिएगा सर 55% भरेगा। क्यू और एस क्या है? टंकी को खाली कर रहा है, तो क्यू और एस दोनों मिलकर खाली कर रहा है, तो पहले क्यू प्लस एस लिख दे रहे हैं। कितना क्यू और एस है? तो क्यू है आपको 25% और एस कितना है आपको? एस है आपका 20%। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 45%। इसका मतलब ये जो है भर रहा है तो प्लस लिख दिए इसका डाटा, और 45% वाला क्या कर रहा है? तो इम्पेटी कर रहा है मतलब खाली कर रहा है, तो मतलब माइनस। इसका मतलब 55% भरेगा तो 45% क्या हो जा रहा है? खाली हो जा रहा है। तो 55% भरा पी और आर, तो क्यू और एस कितना खाली कर दे रहा है? तो 45%। एक घंटा में कितना बच रहा है आपको? तो कहिएगा 10% ही केवल आपको भर रहा है, 10% ही आपको क्या होगा टंकी भरेगा आपको। तो पूछ रहा है कि 10% भरेगा तो इस स्थिति के तहत टंकी के मध्य भाग तक भरने में कितना समय लगेगा? तो चूंकि एक घंटा में कितना भरेगा तो कहिएगा सर 10% भरेगा। एक घंटा में कितना भरेगा? 10% ही भरेगा। क्यों? क्योंकि 55% पी और आर भर रहा था, पी और एस कितना खाली कर रहा था 45%, 25% क्यू और एस कितना 20%, दोनों को जोड़े तो कितना गया 45%। ये कितना है 55% भर गया, 45% निकल गया, तो कितना बचा? तो 10% अभी भी भर रहा है, फिल हो रहा है। एक घंटा में कितना हो जाएगा? तो 400 लीटर का 10% ही ना भर रहा है। इसका मतलब एक घंटा में कितना भरेगा? तो कहिएगा सर एक घंटा में 40 लीटर भरेगा। एक घंटा में कितना भरेगा? 40 लीटर। अब आपको क्या पूछ रहा था? आपको पूछ रहा था कि टंकी का आधा भरना है, टंकी का क्या करना है? आधा। कैपेसिटी कितना लेना है आपको? कैपेसिटी लेना है, क्षमता लेना है टंकी का, पूरा नहीं, कितना लेना है कैपेसिटी टंकी का? कहिएगा आधा, मतलब 400 लीटर का टंकी है उसका आधा ही। इसका मतलब टंकी कितना भरना है? 200 लीटर का। तो 200 लीटर का टंकी भरने में कितना आपको समय लगेगा? तो बताइए 40 लीटर भरने में कितना लगता है आपको? ऐसे भी ना निकालते, टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी।
यही इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब एक घंटा में कितना बढ़ रहा है, एक घंटा में कितना बढ़ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इफिशियंसी, क्षमता। तो टोटल कैपेसिटी कितना है, तो 200 लीटर डिवाइडेड बाय एक घंटा में कितना बढ़ रहा है, तो 40। तो चूंकि एक घंटा में 40 बढ़ रहा है, भरना 200 लीटर, तो कितना घंटा लगेगा, तो कहिएगा 5 घंटा। ये कॉमन सेंस से भी बन जाता, क्योंकि एक घंटा में कितना बढ़ रहा है 40 लीटर, और आपको भरना कितना होता है, तो 200 लीटर। तो 40 लीटर भरने में आपको, 40 लीटर भरने में आपको एक घंटा लगा, एक लीटर भरने में कितना लगेगा, तो 1/40, तो 400 नहीं था, कितना था, आधा था उसका, तो 200 लीटर भरने में कितना लगेगा, 1/40 × 200 कितना होगा, कटेगा तो आ जाएगा 5। ऐसे भी आप बना सकते थे, आप आंसर क्या जाएगा आपको, 5 घंटा। याद रखिएगा इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू होता है कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। इफिशियंसी पूछेगा तो कैपेसिटी अपॉन टाइम, या टाइम पूछेगा तो कैपेसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। आंसर क्या जाएगा आपको, आंसर जाएगा आपको डी। अब इस प्रश्न में क्या दे रहा है आपको, इस प्रश्न में आपको दे रहा है आपको 7 तरह का गेम खेला जा रहा है, एक बैडमिंटन, एक बास्केटबॉल, एक हॉकी, एक आपका फुटबॉल, एक टेनिस, एक क्रिकेट और एक अदर्स। 7 तरह का गेम है, और 7 तरह का गेम का क्या दे रहा है, व्यय का दे रहा डाटा। व्यय का मतलब एक्सपेंस, खर्च का डाटा दे रहा है। और क्या में दे रहा है खर्च का डाटा, डिग्री में दे रहा है। क्या में दे रहा है, ये जो आपको डाटा जो दे रहा है ये क्या में दे रहा है, डिग्री में। आपको हम बताए थे कि जो भी नेमिंग रहता क्लॉकवाइज बढ़िए, तो क्या होगा, क्या में बनना, क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा बैडमिंटन, BAD लिख रहे हैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल BAS लिख रहे हैं, इसका मतलब बैडमिंटन कितना है, तो कहिएगा बैडमिंटन सर 42 डिग्री है। बास्केटबॉल कितना दे रहा है यहाँ, तो कहिएगा 56 डिग्री है। फिर उसके बाद किसकी बारी आई, हॉकी, तो हॉकी कितना है, तो हॉकी आपका 38 डिग्री है। फुटबॉल कितना है, तो फुटबॉल आपका 30 डिग्री है। टेनिस कितना है, तो टेनिस आपका TEN लिख रहे हैं, 52 डिग्री है। क्रिकेट कितना है, तो 74 डिग्री है। और अदर्स कितना है आपको, अदर्स आपको दे रहा है 68 डिग्री। अदर्स कितना दे रहा है, 68 डिग्री। इसका मतलब 42 डिग्री बैडमिंटन पे खर्च हो रहा है, 56 डिग्री आपको क्या पे खर्च हो रहा है, बास्केटबॉल पे, 38 डिग्री आपको हॉकी पे, 30 डिग्री आपको क्या पे, फुटबॉल पे, 52 डिग्री आपको टेनिस पे, 74 डिग्री आपको क्रिकेट पे, और 68 डिग्री आपको अदर्स पे हो रहा है। अब इस पर आधारित प्रश्न उसको देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत अन्य पर व्यय होता है, मतलब जो आपका अदर्स का है, अदर्स का क्या होगा परसेंटेज, किस पे निकालना है, तो टोटल पे निकालना है। कह रहा है ऑफ में जिसमें लगा रहता है, या का जिसमें लगा रहता है, वो नीचे लिखते हैं, ऑफ जिसमें लगता है, या जहां देखिए जैसे टोटल स्पेंडिंग, ऑफ टोटल स्पेंडिंग, तो वो नीचे लिखाता है, तो नीचे टोटल लिखाएगा। अदर्स का निकालना था परसेंटेज, तो अदर्स ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाय किस पे निकालना था, तो टोटल पे, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अदर्स कितना डिग्री था, अदर्स कहिएगा सर 68 डिग्री था, यही था अदर्स लिखे थे। टोटल कितना हो जाएगा, तो सभी को जब जोड़िएगा टोटल, तो एक होगा कि आप सबको जोड़ दीजिए, और जान रहे कि एक सर्किल में कितना डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री। परसेंटेज वाइज बात कीजिएगा तो 100%, डिग्री वाइज बात कीजिएगा तो 360 डिग्री। यहां चूंकि ऊपर में डिग्री है, तो नीचे में भी डिग्री लिख दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहां कटेगा आपको 17 हो जाएगा, और यहां जाएगा कितना, 9। 17 × 10 170/ कितना हो जाएगा, 9। तो कितना हो जाएगा आपको, 18.88%। यहां देख रहे होंगे कि क्या आ रहा है, 18.88%, ऑप्शन में देख रहे हैं कि 18.89% है, यही हो जाएगा। अगर आप निकालिएगा 170/9 18.888 ऐसे ही लगते जाएगा। तो चूंकि जानते थे कि दो अंक तक ही दिया हुआ है, तो तीसरा अंक देख रहे हैं कि 500 ऊपर, इसलिए एक बार जाता है, तो लगभग वही आ जाएगा 18.89%। यही लिखेंगे क्योंकि बाकी डाटा जो है बहुत दूर है। आंसर क्या जाएगा आपको, बी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अब इस प्रश्न में क्या है कि टोटल एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू कितना है, 10,000 मिलियन डॉलर है। और क्या है ये जो डाटा दिया है, कितने सेक्टर का दिया हुआ है, तो कहिएगा ये जो डाटा दिया हुआ है 5 सेक्टर का है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी, करेंसी है मुद्रा, डेरिवेटिव्स है व्युत्पत्ति, राइस है चावल है, और वीट है गेहूं है। और ये डाटा जो दे रहा है क्या में दे रहा है, तो परसेंटेज में दे रहा है। ये डाटा क्या में दे रहा है, परसेंटेज में। टोटल जोड़ दीजिएगा तो टोटल इसके द्वारा रेवेन्यू जो होगा, टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो 10,000 मिलियन डॉलर होना चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्न है, उसको देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि अगले वर्ष निर्यात में एक्सपोर्ट में भारत का इनकम, टोटल इनकम कितना से बढ़ जाए, 45% से। इसका मतलब 10,000 मिलियन डॉलर जो देख रहे थे आप, मिलियन डॉलर जो देख रहे थे, इसमें कितनी की इंक्रीमेंट हो रही है, तो कहिएगा 45% की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि चावल में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। अच्छा बताइए चावल यहां पे कौन सा है, तो कहिएगा सर पहले क्लॉकवाइज डाटा को पढ़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो पहला वाला होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, आई एफ लिख ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई एफ टी लिख ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा लिख ले रहे हैं करेंसी, 35% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना है, 25% है। करेंसी कितना है, 35% है। डेरिवेटिव्स कितना है, 10% है। राइस कितना है, राइस आपका 15% है। वीट कितना है, गेहूं आपका 15% है। अब आपको पूछा है कि राइस में कितनी की बढ़ोतरी है, तो देखिए राइस में बढ़ोतरी पूछ रहा है, आपको पता चलना चाहिए कि राइस में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है पूछ रहा आपको। तो पहले का डाटा पता रहना चाहिए राइस का, तो वो तो निकाल लेंगे सर, 10,000 का जो दिया हुआ है उसका 15% करके निकाल लेंगे कि कितना है। तो कहिएगा कि 1500 मिलियन डॉलर आपको केवल चावल से मिल रहा है। अच्छा अगले साल चावल में कोई वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, तो कहिएगा सर अगले साल चावल में हमको कोई वृद्धि दिखाई नहीं दे रही है, या ना कोई कमी दिखाई दे रही है, ओवरऑल दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, 45%। तो हम लोग परसेंटेज कमी और वृद्धि कब निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कब निकालते हैं, तो जब शुरुआत की वैल्यू पता हो और अंत का वैल्यू पता हो। अंत में ये कितना बन रहा है ये हमको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए ए था, अगर मान लीजिए कहीं दे ए 30 है, अब बाद में बढ़ के ए जो हो गया, ए डैश लिख रहे वो 60 हो गया, तो पूछेगा कितना बढ़ा, तो कहिएगा सर 100% से बढ़ा। कितना बढ़ा, तो 30 की इंक्रीमेंट, शुरुआत वैल्यू कितना है, तो 30 है इंटू 100, तक कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो कहिएगा कि 100% का। ये परसेंटेज कब निकाले, जब शुरुआत का वैल्यू दे रहा था इसका और लास्ट का वैल्यू दे रहा था। इसका मतलब रेशियो चाहे तो शुरू वाला भी पता रहना चाहिए और लास्ट वाला भी पता रहना चाहिए, तब भी आपको इंक्रीमेंट निकल जाएगा। जैसे एक मान के चलिए कि हम मान लिए कि ए बी सी लिख ले रहे हैं, अब हम यहां पे लिख रहे हैं 10, यहां लिख रहे हैं 10, यहां भी लिख रहे हैं 10, टोटल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 30। अब हम मान लीजिए कि एक को बढ़ा दिए हम यहां पे 30 से, यहां मान लीजिए 40 कर दिए, और ये 10 और ये 10 रख दिए, तो कितना हो गया, तो 60 हो गया। 60 का मतलब 100% से बढ़ गया, ओवरऑल देखिए 100% से बढ़ा। लेकिन यहाँ बी में देखिए कितने की चेंज हुई, तो पहले भी 10 था अभी भी 10, सी अभी भी 10 बाद में भी 10। तो सर ऐसे भी तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, हमको 100% बनाना है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए को 10 लिख दें और बाकी को जो बी है उसको 40 लिख दें, इसको सी को 10, अभी भी देखिए टोटल 60 बन रहा है, तो 100%। या ऐसे भी तो हो सकता है सर ए जो है वो ना बढ़े, बी भी ना बढ़े, असी ये बढ़ा दिए, अभी भी देखिए 60। इसका मतलब ओवरऑल 100% बन जाए, तो उसमें ए बढ़ेगा कि बी बढ़ेगा कि सी बढ़ेगा कितना से, ये आप नहीं बता सकते जब तक आपको शुरुआत की वैल्यू नहीं पता हो और अंत का वैल्यू ना पता हो। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू पता रहना चाहिए शुरुआत का, और क्या वैल्यू पता रहना चाहिए, फाइनल वैल्यू पता रहना चाहिए किसी का भी परसेंटेज चेंज निकालने का। क्योंकि ओवरऑल दे रहा था, राइस का शुरुआती वैल्यू पता है कितना, 1500, लेकिन लास्ट में कितना बन रहा है राइस ये नहीं पता, इसलिए हम इसका हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते, परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते। आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका, सी जाएगा।
कैन नॉट डिटरमाइंड। अब इस प्रश्न में देखिए क्या दे रहा है, इस प्रश्न में आपको पांच तरह का मिक्सचर है ए बी सी डी ई, इन पांचों मिक्सचर में क्या क्या मिक्स है, तो आपको सभी में सोडा और वाटर मिक्स है, और आपको सभी मिक्सचर का आपको क्वांटिटी दे रहा है परसेंटेज में, क्या में दे रहा है क्वांटिटी परसेंटेज में दे रहा है। तो नेमिंग कर लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए कितना दे रहा है 20%, बी कितना दे रहा है क्लॉकवाइज बढ़िए, बी दे रहा है आपका 30%, सी कितना दे रहा है 25%, डी कितना दे रहा है 10%, और ई कितना दे रहा है 15%। इसका मतलब ए जो है, ए जो मिक्सचर में 20% है, उस 20% में क्या है आपको सोडा एंड वाटर है, ए का कितना है क्वांटिटी, ए का क्वांटिटी टोटल मिक्सचर में 20% है, उस 20% में कुछ सोडा है कुछ वाटर है, बी का कितना है तो टोटल मिक्सचर में बी का जो क्वांटिटी है वो कितना मात्रा है 30%, सी कितना है 25%, डी कितना है 10% और ई कितना है 15% है। अब इस पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि मिश्रण ए, तो पहले इसको लिख ले रहे मिश्रण ए कौन है, मिक्सचर ए कौन है, तो क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो यही हो गया, तो मिक्सचर ए में क्या है तो 45% क्या है सोडा है, मिक्सचर ए में क्या है 45% सोडा है आपको, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए मिक्सचर ए को कितने कीमत पे बेचना चाहिए, तो पर लीटर का आपको पूछ रहा है कि दाम कितना होगा, एक लीटर बेचेंगे उसका पूछ रहा है कि दाम क्या होगा, मिक्सचर एक लीटर मिक्सचर को बेचेंगे उसका दाम क्या होगा, तो हम क्या कर लेते हैं कि ए का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कि कितना है, और जितना भी आपको क्वांटिटी होगा उससे भाग दे देंगे तो पर लीटर का आपको निकल जाएगा। अच्छा, इसमें एक और डाटा आपको दे रहा था, इसमें एक और डाटा दे रहा था कि सभी मिश्रणों की कुल मात्रा कितना दे रहा था 500 लीटर, इसका मतलब ये जो मिक्सचर कितने लीटर का है टोटल मिलाइएगा तो 500 लीटर, इस 500 लीटर में ए कितना है, तो कहिएगा सर ए जो है 500 लीटर में 20% है, तो 20% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 500 लीटर का मिक्सचर है टोटल ए बी सी डी मिला के, और उसमें 20% ए है, मतलब कितना है ए का क्वांटिटी, तो कहिएगा सर 100 लीटर का है, ए कितना का है 100 लीटर का मिक्सचर है, इस 100 लीटर में क्या है तो 45% सोडा है, तो 100 सोडा कितना है 45%, तो 100 का 45% निकालिएगा तो 45 से आ जाएगा, तो जब 45 लीटर सोडा हो गया तो जो बाकी बचेगा वो कितना हो जाएगा वाटर हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा कि आप डायरेक्ट घटा लीजिए 100 में से 100 लीटर का मिक्सचर जिसमें से 45 लीटर आपको सोडा है तो घटा लिए तो कितना वाटर आ गया, तो कहिएगा सर 55 लीटर वाटर आ गया, तो 100 लीटर में 55 लीटर आपका सोडा है, 55 लीटर क्या आपका वाटर है। अब इसको क्या है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण ए को कितना पे बेचा जाए, यदि एक लीटर सोडा का सीपी कितना है, एक लीटर सोडा को खरीदने में कितना लग रहा है 20 रुपये, अच्छा बताइए सोडा का सीपी कितना है एक लीटर का, एक लीटर खरीदने में कितना लग रहा है, कहिएगा सर एक लीटर खरीदने में 20 रुपया, वास्तविक में सोडा कितना था मिक्सचर में, तो 45 लीटर का दाम निकाल लेते हैं कितना लगेगा खरीदने में, 45 × 20 तो बात कीजिएगा तो यहां कितना जाएगा 900 रुपये, इसका मतलब इसको खरीदने में कितना लगा कॉस्ट प्राइस, कहिएगा 900 रुपये, पानी को खरीदने में कितना लगेगा, क्योंकि पानी मुफ्त में मिलता है इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 55 लीटर पानी है तो 0 रुपया लगेगा इसमें, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पानी को खरीदने में पैसा नहीं लगता है, मतलब कितना हो जाएगा 0 रुपया, क्योंकि पानी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 0 रुपया, इसका मतलब इस 100 लीटर को बनाने में कितना रुपया खर्च लगा, तो 900 रुपया सोडा में 0 रुपया पानी में, टोटल कितना रुपया खर्च बैठा 900 रुपया। अब इसको क्या करना है, इस 900 रुपया पे कितना परसेंट का लाभ कमाना है, तो कहिएगा सर जब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं डायरेक्ट, तो कॉस्ट प्राइस इंटू कितना का लाभ हो रहा था 50%, तो 50% का वैल्यू निकाल ले रहे, एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप 150% हो जाएगा, अगर 100% सीपी है तो 50% का लाभ, मतलब 150% का वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट आप,
कितना हो जाएगा, 15 नवा हो जाएगा यहाँ पे 35, 1350 रुपये। और आपको पूछा था पर लीटर का कितना होगा दाम, तो 1350 रुपया का बिक रहा है, कितना का पूछा है एक लीटर का दाम, तो टोटल मिक्सचर कितना का है 100 लीटर का, एक लीटर का दाम कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसका, कहिएगा 13.5 रुपया या 50। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी। दूसरा क्या हम क्या कर सकते थे कि प्रॉफिट निकाल सकते थे आप, जैसे 900 का 50% निकालते तो कितना आ जाता, 0-0 कट जाता तो 450 रुपया का प्रॉफिट हो जाता। तो 900 का चीज यहां लिख सकते थे 900 प्लस 450 जोड़ते तो सेलिंग प्राइस आ जाता वही 1350 रुपया। लेकिन आपको 1350 रुपया तो 100 लीटर का आया है, और आपको क्या पूछा है, यहां साफ साफ कह रहा है कि 50% लाभ को प्राप्त करने के लिए मिश्रण ए को कितनी कीमत पे बेचना है, क्योंकि आंसर में देखिए पर लीटर दे रहा है, मतलब एक लीटर का दाम पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर निकल गया 1350 रुपया, 1350 रुपया कितना लीटर का था, तो दाम कहिएगा सर ये 100 लीटर मिक्सचर का, तो एक लीटर का कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 13.5 कितना हो जाएगा 5 रुपया, 13.50 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब इस प्रश्न में क्या दे रहा है कि 2014 से लेकर 2018 तक एक परिवार के इनकम और सेविंग का आपको डाटा दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, सेविंग जो है कितना है तो 50,000 रुपया, और इनकम कितना है टोटल, तो इनकम 2,00,000 रुपया। 2014 में कितना होता है तो आपको 6%, ये 2014 का है, क्लॉकवाइज ही बढ़ते हैं। 2015 में कितना है 10%, 2016 में कितना 20%, 2017 में कितना 24%, और 2018 में कितना 40%, ये आपका सेविंग का दे रहा है। इसी प्रकार से इनकम जो है 12.5%, 2014 में 17.5%, 2016 में कितना था आपको 15%, 2017 में कितना था 20%, 2018 में कितना था इनकम 35%। अब आपको इस पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है, उसको देखते हैं। अब आपको क्या कर रहा है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि 2019 में इनकम इज सपोज टू राइज 10%, इनकम जो है 10% से बढ़ गया और खर्च जो है 20% से बढ़ जाए, तो सेविंग 2019 में पूछ रहा है, तो बताइए इनकम कितना था, तो कहिएगा सर इनकम जो था 2018 के बाद 2019 आएगा, इसका मतलब इनकम 2018 का निकालना पड़ेगा, और 2018 का क्या निकालना पड़ेगा, सेविंग, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है सेविंग प्लस एक्सपेंसेज खर्च, आय बराबर बचत प्लस खर्च, यही होता है। तो कह रहा 2019 में, तो बताइए 2018 में कितना था इनकम पहले वो देख लेते हैं, और 2019 में कितना था सेविंग वो देख लेते हैं, पहले दोनों निकाल लेते हैं। तो सेविंग का मान निकाल लीजिए और इनकम का मान निकाल लीजिए, इनकम निकालते हैं तो ये इनकम का डाटा है, 2018 में कितना था, तो कहिएगा सर 2018 में था 2,00,000, 2,00,000 का 35% था तो निकाल लिए यहां से, तो 00 से 00 कट गया तो कितना हो गया यहां 70,000, इनकम कितना था 70,000, सेविंग कितना था, तो सेविंग 2018 में कितना था, तो कहिएगा सर यहां सेविंग का मान दे रहा था 50,000, और यहां आय कितना दे रहा था 2,00,000, तो 50,000 का कितना सेविंग कर रहा था 2018 में, तो कहिएगा 40%, तो 50,000 का 40% मान निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 00 से 00 कटा तो कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। इसका मतलब 2018 में इनकम 70,000 और सेविंग आपका 20,000, तो खर्च कितना हो गया, तो 70,000 माइनस 20,000, तो कितना खर्चा किया 2018 में, तो कहिएगा सर 2018 में जो खर्च किया वो किया आपको 50,000 रुपया। अब क्या कह रहा है कि 2018 के बाद जो 2019 है उसमें खर्चा कितना से बढ़ रहा है, तो खर्च 20% से बढ़ रहा, तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, तो निकाल लीजिए या डायरेक्ट 120% का मान निकाल लीजिए, तो कितना बढ़ गया, तो कहिएगा सर 10,000 से बढ़ा, कितने से बढ़ गया, तो खर्चा 10,000 से बढ़ गया। अब खर्च कितना हो गया 2019 में, तो खर्च जो होगा एक्सपेंस 2019 में निकाल रहे हैं,
तो 50,000 तो है ये था, 10,000 और बढ़ा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 60,000 रुपये। अच्छा इनकम कितना से बढ़ रहा है, तो बात कीजिएगा इनकम का, यहां लिख रहे हैं इनकम। इनकम कितना था आपको, तो कहिएगा सर इनकम था 2018 में 70,000। कितना से बढ़ रहा है इनकम, 10% से, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 7,000 रुपया। तो 7,000 रुपया बढ़ा तो कितना हो गया इनकम 2019 में, तो 70,000 तो था ही था, 7,000 और बढ़ा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 77,000। अब आपसे क्या पूछ रहा था, अब आपसे पूछ रहा था कि 2019 में बचत कितना हो जाएगा, तो बताइए इनकम पता है और खर्च पता है तो बचत नहीं निकाल दीजिएगा, तो सेविंग बराबर क्या हो जाएगा इनकम, इनकम कितना है 77,000 माइनस खर्चा 60,000 तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 17,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। कैसे निकाले, देखिए चूंकि आपको यहां डाटा में कहीं भी खर्च का नहीं दे रहा था तो खर्च तो निकालना पड़ेगा, खर्च चूंकि 20% से बढ़ गया है और इनकम बढ़ गया, तो डायरेक्ट इनकम 10% बढ़ता है तो यहां निकालते भी तो 70,000 का 10% कितना आता 7,000, तो ये तो निकाल देते इस वाले डाटा से, इनकम तो निकल जाता। 2019 में कितना होता, तो सर 2018 में सर 35% था, तो 2,00,000 का 35% निकाले तो 70,000 आया, और 70,000 सर 2019 में क्या हो गया कि 10% से बढ़ा, तो 70,000 का 10% 7,000 होता है, तो मतलब 77,000 हो गया 2019 में। लेकिन खर्च का तो नहीं दे रहा था कहीं भी आपको ग्राफ, तो क्या किए हम लोग, पाई चार्ट तो दे नहीं रहा था, तो हम लोग सेविंग के मदद से निकाल लिए कि 2018 में कितना इनकम था, 2019 के खर्चा को बढ़ाने के लिए आपको 2018 का सेविंग का जरूरत पड़ेगा, तो 2018 में कितना था सेविंग, तो कहिएगा सर 2018 में था सेविंग 40% का मान निकाले थे कितना आ गया, तो कहिएगा सर 20,000 रुपया है, कितना आ जाएगा 20,000 रुपया, तो सेविंग आपको 20,000 रुपया आ गया। तो 70,000 था आपको 2018 में इनकम, 20,000 रुपया सेविंग था, या 70,000 आया था ना इसका मान 2019 में नहीं 2018 में, इसका मान कितना आया, तो कहिएगा सर इसका मान आ गया सर 20,000 रुपया। तो 70,000 रुपया इनकम, 20,000 रुपया बचा, तो खर्चा कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 50,000 रुपया। अब क्या हो गया कि 2019 में 50,000 जो था उसमें कितने की इंक्रीमेंट हुई, 20% का, 50,000 का 20% निकाले तो कितना हो जाएगा, तो जो खर्च था 20% से बढ़ रहा है, तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो 10,000 होगा, तो खर्चा कितना हो जाएगा, तो पहले 50,000 ये था, 10,000 बढ़ गया तो 60,000 हो गया, तो खर्चा निकाल लिया हम लोग कितना हो गया, तो खर्चा जो हो जाएगा आपको, खर्चा कितना हो जाएगा आपको, तो 50,000 में 10,000 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 60,000। खर्चा पता है और आय पता है तो सेविंग नहीं निकल जाएगा, इनकम माइनस खर्चा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा आंसर 17,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि चार तरह का आइटम है, जैसे चाइनीज डिशेज, साउथ इंडियन डिशेज, गुजराती डिशेज, पंजाबी डिशेज, इनको बेचने से जो पैसा मिल रहा है उसका क्या में दे रहा, वैल्यू डिग्री में दे रहा, तो क्लॉक वाइज बढ़िए तो ये चाइनीज हो जाएगा, दूसरा क्या होगा साउथ होगा, साउथ कितना है 80 डिग्री, चाइनीज कितना है तो 90 डिग्री, तीसरा हो जाएगा गुजराती, गुजराती कितना है आपको 120 डिग्री, पंजाबी कितना है 70 डिग्री, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इनको टोटल का वैल्यू जो है जो बेच रहे हैं, जैसे चाइनीज है वो आपका 90 डिग्री, साउथ इंडियन जो है आपका डिशेज उसका वैल्यू है 80 डिग्री, गुजराती है उसका 120 डिग्री, पंजाबी है उसका कितना है 70 डिग्री, इन सभी को बेचिएगा तो इनके द्वारा कितना आपको मिल रहा है पैसा, तो कहिएगा 27,000 रुपया। आपको इस पर क्या प्रश्न पूछ रहा है, पूछ रहा है कि चीनी भोजन के विक्रय से प्राप्त धनराशि में 20% की कमी आ जाए। चाइनीज पहले कितना बिक रहा था, अगर बात कीजिएगा डिग्री में पहले, तो ये 90 डिग्री आ रहा है,
और 90 डिग्री का 20% कम हो गया, पहले 20% का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो मतलब 18 डिग्री की कमी हो गई। कितने डिग्री की कमी हो गई? 18 डिग्री की। इसका मतलब पहले 90 डिग्री था, अब 18 डिग्री की कमी कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? तो कहिएगा सर अब भी करा है सर 72 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 72 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? तब डिग्री में कोण में क्या परिवर्तन हो रहा है? व्हाट इज द चेंज इन एंगल इन डिग्री? डिग्री में बात कीजिएगा तो 18 डिग्री का ना चेंज हो रहा है। अगर पूछता कि अब कितना हो गया चाइनीज डिशेज, तो कहते कि 72 डिग्री। कितना हो जाता? 72 डिग्री। अगर वैल्यू पूछता, यहां आपको पता था कि यहां कितना टोटल मिल रहा था हमको, तो देखिए पिछले वाले में जाइएगा तो यहां कितना मिल रहा था? तो 27,000 रुपया। पूछा कि चाइनीज से कितना आमदनी हो रहा अब, तो 27,000 का निकाल लेते हम लोग। कितना? 27,000 किसका मान दिया हुआ था? तो 360 डिग्री का। पूछता अगर 72 डिग्री का मान तो निकाल लेते हैं, टोटल वैल्यू कितना आता? तो 360 डिग्री। तो 27,000 मान है 360 डिग्री का। तो अगर पूछता कि अब कितना हो गया चाइनीज डिशेज बिक रहा है, तो 72 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो निकाल लेते आसानी से, जीरो से जीरो कट गया 36 दिनों का, 72 हो गया 27 दिनों का 54। कितना हो जाता? 54। कितना हो जाता? 5400 रुपये। तो लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था, अगर पूछता कि पहले चाइनीज डिश कितना बिक रहा था, आपको पूछता कि पहले कितना चाइनीज डिशेज का वैल्यू था, तो कितना था? 27,000 टोटल वैल्यू था। कितना का? 360 का। तो पूछता कि 90 डिग्री का मान, तो निकाल लेते चार बार में कटता, काटते ही 4×6=24 हो जाता, 3×0=4×7=28 हो जाता, 4×5=20 हो जाता। कितना हो जाता? 6,750 रुपये। इसका मतलब चाइनीज डिश से पहले मिल रहा था 6,750, अब कितना मिल रहा है? 5400 रुपये। अगर पूछता तो हम लोग आसानी से निकाल लेते, लेकिन पूछ रहा था कि कितने डिग्री का चेंज होगा, तो देख रहे थे कि 90 डिग्री था सर, 90 डिग्री में कितना तब कमी आया? 20% का। 20% का मान निकालना है, इसका मतलब सर 18 डिग्री से कमी होगा। कितने डिग्री से कमी होगा? 18 डिग्री। ऑप्शन कौन जाएगा? बी जाएगा। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न में क्या दे रहा है कि लेदर प्लस नॉन लेदर टोटल जूता कितना है? 1500। और ये कौन कौन कंपनी है? तो ए बी सी डी ई बना। लेदर शू कितना बन रहा? 360, जिसमें ए बी सी डी ई बना रहा। और बताए थे कि कैसे हम लोग करते हैं, तो 12 बजे से स्टार्ट करते हैं। ये ए हो गया, क्लॉकवाइज चलिए, बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर क्या हो गया? ई हो गया। इसका मतलब ए जो है टोटल सूट जो हो गया 1500, उसमें ए कितना है? तो 20% है। बी कितना है? 10%। सी कितना है? 10%। डी कितना है? 25%। ई कितना है? 35%। अच्छा, लेदर सू अगर टोटल 360 बन रहा है, उसमें ए कितना है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए 12 बजे से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो 360 सू में ए जो है वो कितना बना रहा है? 10% लेदर का। बी कितना बना रहा है? 15%। सी कितना बना रहा है? 20%। डी कितना बना रहा है? 25%। और ई कितना बना रहा है? 30%। अब इस पर आधारित प्रश्न उसको देखिए क्या कर रहा है कि ब्रांड ए और ब्रांड बी के द्वारा गैर चर्म नॉन लेदर की कुल संख्या बी और ई ब्रांड के टोटल जूतों की कुल संख्या से कितना परसेंट कम है? तो पूछ रहा है ए प्लस बी जो है नॉन लेदर वाला जो कितना संख्या है उसकी तुलना किससे करवाना है? तो बी प्लस ई के टोटल से। टोटल कितना बन रहा है इसमें, उससे कितना कम या ज्यादा, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप डाटा को ध्यान से देखिएगा, यहां तो लेदर शू दिया हुआ है, यहां टोटल दिया हुआ है। आपको नॉन लेदर कैसे निकालिएगा? आपको तो चूंकि ए और बी का नॉन लेदर निकालना है गैर चर्म, तो क्या कीजिएगा? टोटल में से घटा लीजिएगा लेदर वाले को, तो क्या निकल जाएगा आपको? नॉन लेदर। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले यहां पे किसके किसके द्वारा निकालना था? ए और बी के द्वारा। ये ए हो जाएगा, क्लॉकवाइज चलिए, ये बी हो जाएगा। तो बताइए 1500 टोटल जूता है,
उसमें ए कितना बना रहा है तो 20%, बी कितना बना रहा है तो 10%, ए और बी दोनों मिलकर कितना बना रहा है टोटल जूता तो 30%, तो 30% का मान निकाल लेते हैं। कहिएगा ए और बी जो है टोटल जो होगा वो कितना बनाएगा 450, लेकिन ए और बी का आपको नॉन लेदर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ए और बी का लेदर वाला निकाल लेते हैं। तो टोटल इक्वल टू क्या होगा, लेदर प्लस नॉन लेदर। अगर हम लोग टोटल में से लेदर वाला घटा देंगे तो नॉन लेदर निकल जाएगा। ए और बी का आपको नॉन लेदर का तो आपको पाई चार्ट दे नहीं रहा था, तो कैसे निकालिएगा, तो पहले हम ए और बी का टोटल निकालिए क्योंकि टोटल दे रहा था यहां, फिर टोटल में से क्या घटा लेंगे लेदर वाला को तो बच जाके क्या नॉन लेदर। ए और बी लेदर कितना बना रहा है तो 360 का 10% ए और 15% बी, मतलब दोनों मिलकर कितना बना रहा है 25% लेदर सूट, 25/100, 25 × 100 कटेगा तो कितना देगा 90। इसका मतलब ए और बी जो था वो नॉन लेदर कितना बनाएगा, तो कहिएगा सर टोटल लेदर आपको पता हो गया सर 450, टोटल लेदर और नॉन लेदर पता हो गया 450, जिसमें से आपको पता चल गया कि लेदर वाला कितना आ रहा है तो कहिएगा सर 90, तो घटा देंगे टोटल आपको पता है लेदर पता ही है तो नॉन लेदर नहीं निकल जाएगा, 450 में से 90 घटाएंगे तो 360 क्या आ जाएगा आपको, तो 360 आपको नॉन लेदर आएगा, यहां लिख दिया नॉन लेदर 360। और डी और ई का टोटल कह रहा है तो डी और ई, ये सी हो गया डी हो गया और ई हो गया, तो डी और ई टोटल कितना हो जाएगा तो कहिएगा सर 1500 का डी कितना है तो सर डी है सर 25% और ई कितना है 35%, दोनों जोड़ दीजिए टोटल ही पूछ रहा था यहां, तो 1500 का कितना हो जाएगा ये तो कहिएगा सर ये हो जाएगा आपको 60%, 60/100, 60800 कितना आ जाएगा तो कहिएगा सर यहां पर आ जाएगा 15/90। और एक और जीरो तो डी और ई टोटल कितना तो कहिएगा सर 900। पूछ रहे कितना कम है तो घटाइए कितना, 360 है ए और बी नॉन लेदर में, बी और ई टोटल कितना 900, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 540, 540 कम है, लेकिन पूछ रहा परसेंटेज कितना कम है तो किससे तुलना कर रहा है तो डी और ई से कह रहा है कि कितना कम है, तो जिससे तुलना करते हैं उसको कहां रखते हैं नीचे, तो डी और ई टोटल को कहां रखेंगे नीचे, तो नीचे रख लेते हैं। जिसमें का लगा रहता है देन लगा रहता है ऑफ लगा रहता है वो कहां लिखाता है नीचे, जिससे कंपेरिजन करेगा वो नीचे। परसेंटेज लिखने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 9×6=24, जिसमें से में का लगा रहेगा वो नीचे, जिससे कंपैरिजन करेगा जिससे कम या बेसी का तुलना करेगा वो नीचे लिखाएगा, तब चूंकि डी और ई से कर रहा था इसलिए नीचे लिखाया तो कितना आ जाएगा 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब इस प्रश्न में देखिए क्या है, बॉय द्वारा ऑप्टेन मार्क का दे रहा है आपको परसेंटेज में, कौन कौन सा है तो B1, B2, B3, B4, चार को बॉयज है, B1 क्लॉकवाइज में लिखते हैं B2, B3, B4, तो B1 को कितना मिला 88%, B2 को 64%, B3 को 80%, B4 को 56%। अब लड़की द्वारा क्या है नाम तो G1, G2, G3, तो G1 कितना 68%, G2 कितना 76%, G3 कितना 84%। अब आप ही कोई इस पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 60% चाहिए, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितना चाहिए 60%, तो B4 के अंकों को कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, तो B4 कौन हो जाएगा B1, B2, B3, B4, तो देखिए B4 कितना है तो 56% है, B4 कितना 56% है, इसको पास करवाना है कितना बनाना है 60%, कितना बढ़ाना पड़ेगा तो कहिएगा सर 4% कम है। अब नीचे में किससे कंपैरिजन कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत वाले वैल्यू से कंपैरिजन कीजिएगा तो शुरुआत वाले को कितना से बढ़ाने के लिए कह रहे थे वो नीचे लिखाएगा, इनिशियल वैल्यू नीचे लिखाता है,
या सेम ए का वाला जो रहता है वो नीचे लिखा था, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल आप, ये वाला परसेंटेज परसेंटेज कट गया, ये 14 से कट जाएगा, 100 कटेगा आपको 50 से, ये कटेगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 7/1/7%। तो जब कभी भी आपको एक वैल्यू दे, जैसे कहे 10 से 20 कितना परसेंट बढ़ गया, तो कहिएगा सर यहां पर इंक्रीमेंट 10 का, शुरुआती वैल्यू 10 × 100, कहिएगा सर 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 100%। बात सही है, 10 का 100% कितना होता है, 10 ही होता है, 10 में 10 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो जब भी आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू रखते हैं नीचे में, या जिसमें ऑफ देन लगा रहे या फॉर्म लगा रहे वो कहां जाता है, नीचे जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस प्रश्न में क्या है, टोटल ट्रीज दे रहा है 90,000, जिसमें यूपी में कितना लग रहा है 15%, एमपी में कितना लग रहा है 20%, उत्तराखंड में कितना लग रहा है आपको 10%, आंध्र प्रदेश में कितना लग रहा है आपको 30%, और केरला में कितना लग रहा है आपको 25%। अब इस 15% में तीन तरह का पेड़ है, जिसमें मैंगो, एप्पल और ऑरेंज, किस रेशियो में, 3:4:3, एमपी में कितना, 2:4:9। अब इस पर आधारित प्रश्न है, उसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि यूपी और आंध्र प्रदेश में आम के पेड़ों का औसत संख्या निकालना है, तो आम के पेड़ का निकालना पड़ेगा, यूपी में कितना मैंगो है प्लस आंध्र प्रदेश में कितना मैंगो है, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर से भाग देते हैं, तो चूंकि दो और स्टेट है तो 2 से भाग देंगे। पहले यूपी में मैंगो निकालिए, तो यूपी में मैंगो कैसे निकालिएगा आप, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। इसमें क्या है कि यूपी वाले में 15% टोटल पेड़ है, इस 15% टोटल पेड़ में मैंगो कितना है रेशियो में, 3, एप्पल कितना है 4 और ऑरेंज कितना है 3। हम लोग क्या करते हैं कि मैंगो का निकालना है, तो मैंगो को हम लोग परसेंटेज में बदल देते हैं। यूपी में मैंगो कितना है, तो मैंगो कहिएगा सर यहाँ 3 है, डिवाइडेड बाई टोटल जोड़िए 3+4+3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 7 × 10 × 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से कट जाएगा 0 तो 30%। इसका मतलब इस 15% पेड़ में कितना परसेंट पेड़ आपको मैंगो है, तो कहिएगा सर 30% है। इस 90,000 पेड़ का 15% यूपी में है, फिर जो इसका आएगा इसका 30% क्या है, तो कहिएगा सर मैंगो है, ये तो निकल गया यूपी में। इसी प्रकार से यहां वैल्यू निकालना है तो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 90,000 गुना 15/100 गुना 30/100, 00 से 00 काटें, 00 से 00 काटें, कितना हो जाएगा आपको, यहां हो जाएगा आपको 15 × 9 = 135, 135 दिया कितना हो जाएगा, 15 हाथ में 1 × 9 = 10, 405 = 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 40/50 पेड़ क्या है आपको, तो 40/50 पेड़ आपका यूपी में है मैंगो का। अब इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते आंध्र प्रदेश में, देखिए मैंगो कितना है, तो मैंगो सर आपका यहां 1 है, परसेंटेज में निकाल ले रहे हैं, 1/(1/) टोटल कितना हो जाएगा 1+2+7 × 100, 10 से 10 कट गया, यहां 1 0 10%। इसका मतलब आंध्र प्रदेश का डाटा कौन था, तो ये चौथा नंबर वाला, मतलब ये था। इसका मतलब कि 90,000 जो पेड़ था उसका 30% पेड़ कहां है, आंध्र प्रदेश में, और उसका 10% क्या है, मैंगो है, 00 से 00 कितना हो जाएगा, तो 9 × 27 हो जाएगा 00। अब एवरेज निकालना, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज बराबर क्या होता था अभी लिखवाते हैं, तो यूपी में मैंगो कितना था, तो यूपी में मैंगो था सर 40/50, आंध्र में मैंगो कितना था 2700 / 2,
जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपको 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 भाग देंगे तो कटेगा, तो 33 × 66, 7 × 14 3375 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी। तो यूपी में हम लोग निकाल लिए मैंगो कितना था, कैसे निकाले तो यूपी में देखे यूपी में जो 90,000 पेड़ था उसका 15% ही नहीं यूपी में, और इसमें देख लीजिए कि मैंगो कितना था, मैंगो को परसेंटेज में बदले तो कितना आ रहा था 30%, निकाल लिए 30% का वैल्यू, सॉल्व किए थे कितना आ गया आपको 40-50। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का निकाले थे कितना आया 2700, दोनों को जोड़ दिए थे कितना आ गया 67-50। एवरेज निकालने के लिए टोटल से भाग देते हैं, क्योंकि दो स्टेट था तो दो से भाग दिए थे कितना आ गया आपको 33-75, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, थैंक यू।